हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदी सभा के जहां में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक हैं। और हम सबकी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। बोलो बोलो सब लोग, हैप्पी न्यू ईयर। तो आप सबने ब्लॉग से देख ही लिए होंगे भाई के चैनल पे। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों हंस रही हो? आपने भाई भाभी के चैनल पे व्लॉग्स देख लिए होंगे हमने किस तरह से न्यू ईयर को ब्रिंग इन किया है। हम लोग हमेशा से इसी तरह करते हैं और क्योंकि बचपन से यही आदत रही है, हम लोग अम्मी पापा को छोड़ के पार्टी करने नहीं गए हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन आपकी फैमिली के साथ होता है। तो हमारी बचपन से यही आदत है, तो हमने इस तरह से ब्रिंग इन किया है। और आज कल तो भाभी ने इतना अच्छा खाना बनाया था, मतलब मजा आ गया है। तो आज हमने सोचा कि हम कुछ बना लेते हैं और आज खाला हमें एक स्पेशल चीज बना के दे रही है जो हम सबकी फेवरेट है। और सबसे ज्यादा किसकी फेवरेट है? मेरी। क्या बन रही है? ये थैंक यू नाजा खाला, एक बार बना के दे चुकी है और इनके जाने का टाइम आ रहा है तो हम लोग को लग रहा है कि बहुत ज्यादा बुरा, लेकिन वो कह रही है चलो जाने से पहले हम तुमको दही बड़े खिला के जाते हैं, है ना रेहान? क्या बोल रहे थे, जब बनेंगे तो मैं कितने खाऊंगा? छह। तो बोल रहा जैसे बनेंगे तो फर्स्ट टाइम में मैं पहले 6 खाऊंगा, उसके बाद 1 घंटे बाद फिर 6। खाला क्या तो दही बड़े बनाती है, तो आज हम उसकी रेसिपी भी आपको बताएंगे, है ना? टेंशन तो नहीं हो रही है? नहीं, 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 तो अभी तो आज हम लोग बिरयानी भी बना रहे हैं, दही बड़े बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं? चिकन। हाँ, अभी मैं चिकन लेके आती हूँ, चावल लेके आती हूँ, चावल बिरयानी खत्म हो गए, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। अम्मी लौट के आऊंगी तो रेडी मिलना, ठीक है? सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए चिकन लेके, मावा लेके, दही लेके। तो अभी जल्दी से पहले बिरयानी बना लेते हैं और उसके बाद हम बनाएंगे दही बड़े। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही मज़ेदार व्लॉग होने वाला है। हमने एक गेम भी सोचा है, तो आप बने रहिए। ये उड़द की दाल है, खाला ने सुबह गलाई थी ताकि हमें शाम को दही बड़े बनाने थे। और अभी बिरयानी के लिए हम और अम्मी प्याज काट रहे हैं। तो प्याज कट गई है और ये आंसू भी निकल आए, गर्म हो रहा है। जब तक हम प्याज तलेंगे और ये खाला ने जो दही, ये खाला ही बताएंगे, ये आप खाला से ही पूछते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी जब तक ये बिरयानी की प्याज हो रही है, बिरयानी में सबसे मेन आपको पता ही है कि सिर्फ प्याज होती है, प्याज में काफी टाइम लगता है, बाकी बिरयानी बहुत ईजी है। हम शायद आपको बता भी चुके हैं, और अगर नहीं बताई है कानपुर स्टाइल बिरयानी तो आप कमेंट्स में बताइए, सिर्फ उसका वीडियो आपको बना के बता देंगे। तो अभी हम आ जाते हैं दही बड़े पे जो कि खाला बना रही है। उसके लिए खाला ने क्या तैयारी की और क्या क्या किया है वो आप वीडियो ऑन करने से पहले ही स्टार्ट हो गए। तो ये क्या किया है? ये 1 किलो उड़द की दाल थी, बिना छिलके वाली। हाँ, बगैर छिलके वाली। इसे सुबह गलाया था, तो ये तो रात में गला। हाँ, ये रात में गला दो, ये सुबह करा दो, तो दिन में बना लो, रात में गला। तो वैसे करके फिर उसे पीसा, पेस्ट किया मिक्सी कितना में। कैसा पेस्ट है दिखाओ? मिक्सी में बिल्कुल से दाने नहीं रहना चाहिए। अच्छा, पूरा बिल्कुल अच्छा सा महीन हो जाए। अच्छा, पूरा पेस्ट हो गया, मतलब इतना गाढ़ा हो जाना चाहिए फ्रेंड, इससे ज्यादा पतला भी नहीं और इससे ज्यादा गाढ़ा भी नहीं। हाँ, इसमें थोड़ा सा 50 ग्राम रवा मिला दो, सूजी। हाँ हाँ, रवा, सूजी जिसे जोर से बोला। हाँ, जिसे सूजी रवा बोलते हैं, 50 ग्राम इसमें रवा मिला दो। 1 किलो दाल। हाँ, 1 किलो 50 ग्राम रवा और थोड़ा सा, इतना सा थोड़ा सा इसमें सोडा डालना चाहो तो। सोडा कब डाला? अभी नहीं, अभी डालेंगे। तो इसमें डाल दिया रवा और सोडा, कितना? थोड़ा सा, एक चुटकी ऐसे जितना, बस थोड़ा सा। वैसे उड़द की दाल फूल जाती है तो वो सही रहता है, नहीं डालो तो चल जाएगा, नहीं डालो सोडा तो चल जाएगा। फ्राई करेंगे। तो ये अम्मी जो बिरयानी में मसाला पड़ेगा वो निकाल के रख रही हैं, इसको अलग से ऐसे पीसते हैं ये सारी चीजें। अभी अम्मी इसमें और भी चीजें डालेंगी। और ये अम्मी को मैं बोल के गई थी ना, अम्मी कपड़े चेंज करके रखना, तो अम्मी ने इतना अच्छा सूट पहन लिया, अच्छी लग रही है अम्मी। आप सब बताओ अम्मी कैसी लग रही है? ये देखो अम्मा अपना खा रही है, सुबह चूने की डब्बी। बचपन से जब से हम छोटे थे तब से अम्मा के पास ये होती है डब्बी ना अम्मी, इसे क्या कहते हैं अम्मा? चुनौती। तो ये जब तक साथ में इमली की चटनी की तैयारी हो रही है, तो इसमें क्या क्या है? इसमें गुड़ और इमली, ठीक है, दोनों गला दिया। हाँ, इमली को 2-3 पानी से अच्छे से साफ करके धुल के
फिर गुड़ और इमली दोनों डाल दी। जल्दी बनाना है तो थोड़ा सा गरम कर लो गैस में, और नहीं जल्दी है तो फिर सुबह गला दो, शाम की उसे मसल के उसका कचरा निकाल दो। जो इमली का हाँ, वो मोटा मोटा निकाल दिया, जो घुलेगा नहीं वो निकाल, हाँ वो निकाल दिया। निकालने के बाद उसे रख के भगोने भगोने में तेल डालना है एक छोटा चम्मच, फिर एक छोटा चम्मच जीरा डालना है, जाकर के फिर वो खटाई उसी में डाल देना है, बस खौल आ जाए एक दो बार, बस उतार के। सो फ्रेंड्स, चटनी बनाने के लिए खाला ने एक चम्मच तेल डाला है, उसमें जीरा डाला है और वो जो इमली और गुड़ है वो डाला है, और उसमें थोड़ा पानी डालेंगे, उसे एक बार उबलने देंगे। खुशी हो रही है, मजा आ जाता है। इमली की चटनी दही के ऊपर डालो, इतने अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट वड़े अभी आप देखोगे ना तो आप पता। अभी वड़े तलने के लिए रेडी है, यहाँ पे चटनी बन रही है और यहाँ पे बिरयानी के प्याज अब तक नहीं हो रही है, बस ये हो जाए तो फिर बिरयानी बन जाएगी। अम्मी चिकन साफ कर रही हैं, जल्दी से सब कुछ बन जाए फिर बैठ के खाते हैं, और गेम भी होने वाला है उसको याद रखना। कितने अच्छे लग रहे हैं, खुशी होती है ना जब सही बनते हैं तो। हाँ, नहीं इसमें टेंशन रहती है बनेगी कि नहीं बनेगी। तुम्हारे हमेशा सही बनते हैं। हाँ, हमेशा नहीं भी रहे। अब जब तुम चली जाओगी फिर मैं बनाऊंगी। हाँ, फिर फरवरी में आके इंशाल्लाह भाई की उसमें बन जाएंगे ना। अब नेक्स्ट टाइम मैं करूंगी। इसमें बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स, ये जो दही बड़े की मुझे लगा डालो और जैसे बड़ा पाव का होता है ना निकल जाता है, झट से हो जाता होगा। ये 15 मिनट से नहीं हुआ अभी, पूरा पिरा है ना, अंदर से कच्चा रह जाएगा तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। सबर का फल, मेहनत का फल बड़ा चटपटा होता है। ऐसे पूरा ऐसे करके डाल तो गोल डले। धीरे धीरे सब सीखती जा रही है सालू, देखो आज दही बड़े बना रही है। अच्छा, और आगे किस लिए सीख रही है? नहीं नहीं, अम्मी को बना के खिला रही है, हम ससुराल की बात अभी नहीं करते, जब होगा देखा जाएगा। सच मैंने आपको कहा था ना, सच में बड़ी प्यारी बच्ची। अम्मी को आज कहाँ से? नहीं हम अम्मी को ना अभी ससुराल और शादी सुन के ना कुछ ज्यादा मुझ पर प्यार आने लगा है ना। अम्मी को सच में बीपी हाई हो जाता है। वैसे बहुत सारे कमेंट्स आए थे पिछले वाले वीडियो में जहाँ पे शादी की बात चल रही थी, बहुत सी जो मम्मी जिनकी छोटी बच्चियां हैं वो कहती है हमें भी ऐसी टेंशन हो जाता है शादी की बात सुन के, लेकिन मैं तो काफी बड़ी हो गई हूँ फिर भी अम्मी को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है। बस मुझे वैसे तो हर एक लड़की को होता है बचपन से शौक, मुझे स्पेशली शादी के इसलिए शौक था कि बचपन से कि मुझे लहंगा पहनने को मिलेगा, बहुत सारे सूट्स मिलेंगे, लेकिन अम्मी को तो ज्यादा ही टेंशन हो जाती है, तो मुझे इसलिए एक शादी की खुशी कम होती है। मतलब जैसे शादी की एक्साइटमेंट होती है ना, लेकिन अम्मी के बारे में सोच के मुझे वो एक्साइटमेंट चली जाती है। करेंगे जब अच्छा। तो जरूर करेंगे, अभी से क्यों करें शादी के बाद, हर माँ को ये लगता है कि मतलब कैसे सोचे नहीं, हम नहीं सोचे। हाँ चलो ठीक है, अभी बहुत टाइम है, देख जाएगा अभी दही बड़े और बिरयानी में ध्यान दे। तो फ्रेंड्स, वो जो प्याज थी बिरयानी की वो निकल गई है, और अभी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, वो भी अच्छे से भुन गया है, और अभी इसमें ये डाल दिया जाएगा चिकन। और जो हमने बिरयानी का निकाला था गरम मसाला, उसे हल्का सा रोस्ट करेंगे, उसे पीसेंगे, और बाद में फिर उसे इसमें डालना है। कब डालेंगे वो आपको बताएंगे, जब तक ये अच्छे से अभी भुनेगा है ना अम्मी। अम्मी फिर से स्माइल कर, अम्मी ने आज ऐसी स्माइल की है, भैया जी स्माइल फिर से। अम्मी कैसे कैसे हंसी अम्मी? अच्छा हंसती नहीं तुम, हंस के बताओ। हंसो ना। तीनों गैस में तीन तीन चीजें चढ़ी हुई है। जब ऐसी बहुत सारी चीजें बनानी होती ना, तब वो ऐसे जो इंडिपेंडेंट घर होते हैं जैसे भोपाल में होते हैं ना राजा खाला मौधा में, जो छतें होती है वो याद आता है कि आंगन होता है और छत होती है। तो तुम लोग भी चूल्हे में बनाते हो ना कभी कभी? कभी कभी भोपाल में बनता है ना, जब ऐसी चीज बनाना पड़ती। तो जब इन लोग की फैमिली, इनके ससुराल वाले सब लोग मिलते हैं ना, जब कोई बड़ा फंक्शन होता है तो ये चूल्हे में बनाते हैं वहाँ पे, उसकी बात ही अलग होती है। बाकी अपना थोड़ा बहुत अपने लिए बनाना हो कुछ एक चीज तो गैस अच्छा रहता है, लेकिन जब सब इकट्ठा हो और फिर चूल्हे में बनता है तो बात ही अलग होती है। जब नाजा खाला वहाँ से बताती है आज हमारे ये बन रहा है, आज पूरी फैमिली की दावत है, तो बहुत मन करता है। तो बस एक चीज में, कुछ कुछ चीजों में फ्लैट अच्छे नहीं होते। अम्मी सुनो, मानते हैं कि आप बहुत
क्या बोलते हैं किफायती हो, मतलब पैसे बचाती हो, चीजें नहीं करती, लेकिन अब ढक्कन तक टूट रहा है, प्लेट ढकनी पड़ रही है, नया मिक्सर ले लो। ले लेंगे अब, ले लेंगे। हाँ लेकिन जब तक काम चलता है, देखो अभी खाला ने प्लेट से पीस लिया, मतलब बताओ प्लेट से, आप लोग ये सब मत करना, मतलब चले कोई भी चीज हो वो चीज से काम चलाना चाहिए। हाँ। यही में अच्छा रहता है, और जब बिल्कुल खराब हो जाए तो फिर तो देखो लेना ही पड़ता है। लेकिन अब ये सब साल में बोला कि गैस छोटा है, जब तीन चूल्हा है, तीन में भी हो जाएगा, दो में भी हो जाएगा, चार में भी हो जाएगा, लेकिन हमारा काम देखो चलता है ना अच्छे से। हाँ। इसीलिए हम कहते हैं सबको, हम यही कहते हैं जब तक चीज चले चला। अम्मी आपको सबर नहीं हो रहा है, देखो अभी बड़ा खा रही है, बर्दाश्त नहीं हुआ, देख कितने अच्छे लग रहा है कि हम एक उठा के लिया। अम्मी अम्मी तो जहाँ आप लोग जानते हो अम्मी को, खा लो। हाँ पपाया बहुत अच्छा लगता है, और अगर एकदम सही हो ना, मतलब जिसे कहते हैं अम्मी डाल का पका हुआ, पापा लाते थे डल पक जिसे कहते थे ना, अगर वो होता है तो बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, जो हमने गरम मसाले रोस्ट किए थे उसको पाउडर बना के चिकन में डाल दिया है, मिर्ची डाल दी है, नमक डाल दिया है, और यहाँ पे चावल के लिए पानी को रेडी कर लिया, उसमें नींबू डाल दिया है, सारी चीज़ें डाल दी हैं, तो ये बिरयानी का काम हो चुका है। अभी हम इसमें से चावल ऐड करेंगे। काम बचा है, बड़े भी पूरे तल गए हैं, इसमें बहुत टाइम लगा ना आपको, बहुत टाइम लगा, और जब ये करो तो कच्चे रह जाते हैं। और अभी जो ये है ना चावल, इसमें डाल दे रहे हैं, बस उसके बाद दम लगा देंगे और खाना ये सब दही वही मिक्स कर देंगे, वो भी आपको दिखाएंगे, उसके बाद सब बैठ के खाएंगे। और बड़े फ्राई हो चुके हैं, अब उन्हें पानी में डालना है, तो पानी में थोड़ा सा हींग डाला है और नमक डाला है, और इन्हें इसमें डालेंगे और इसे निकाल लेंगे, उसका पानी अच्छे से निकाल देंगे, उस पर दही डालेंगे, और उसके बाद उसमें चटनी आ गई खेल के। अब क्या करोगे? दही बड़े खाऊंगा। बंद तो जाने दो, अभी सब आएंगे फिर सबके साथ बैठे। कुछ नहीं, बिरयानी बनी है और दही बड़े बने, आप तो खाते आंटी। अरे वाह, ब्लैक ब्लैक में अम्मी आप कितने अच्छे लग रहे हैं, फोटो ले लेंगे। आइए, आपका सूट भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हाँ क्यों, नया साल हो चुका है खत्म और अब नहीं बननी चाहिए बार बार ये खाने। अब नहीं, आज नहीं, आज के बाद नहीं बनेगा, कल से ठीक है, फिर सारा के बर्थडे पे। हाँ मतलब अभी एटलीस्ट चार दिन तो नहीं बनना चाहिए था ना। अम्मी चार दिन एकदम भाजी, आज तो अम्मी ने कुछ नहीं खाया सुबह से आज। अच्छा, एक सेकंड, और वो कल का है? कल जो भाभी ने बनाया था वो कल खाया था, वो भी खा नहीं रहे थे, भाई ने बोला कि थोड़ा सा खा लो तो खा लो। क्या अच्छा लगा आपको जो भाभी ने बनाया सबसे ज्यादा? उनका तो पूरा ही खाना, अम्मी हमेशा यही बोलती रहती है, कोई कमी नहीं थी खाने में। हाँ। सारा खाना अच्छा, इस बार सबको नूडल्स और चटपटे लगे थोड़े से। हाँ। अच्छे तो से। वो अच्छा था कि नहीं, अच्छे ज्यादा हो गया मसाला। हाँ, चटपटा पसंद है ना सबको। हाँ, हाँ। तो वो अच्छा था, पास्ता तो अच्छा होता ही है। और ये बच्चों को बॉल्स बहुत अच्छी लगी हो। चॉकलेट खाना बनाने में तो मेरी बहू की कोई तारीफ कोई बोली नहीं है, उसका मोल खाना बनाने में तो क्या बताऊं। आज तो सच में बहुत अच्छा सूट भी बहुत अच्छा लग रहा है। अम्मी और आवेक्स एकदम तीनों ना ऐसे। हाँ। अभी फोटो लेना ऐसे, पता था ना सब का ब्लॉग शूट हो रहा था, हम थोड़ा थैंक यू हमारी भी 1 मिलियन पहुंच जाएंगे जल्दी। अभी होने वाले हैं झट से। हाँ इंशाल्लाह, देखो अच्छी लगी बिरयानी। क्या हो गया, मैं जा रहा हूँ नीचे अभी। 2 मिनट, एक छोटा सा चैलेंज है या गेम है, उसे कह लो वो कर लो फिर जाना। कौन सा गेम? तुम हर बार उस गेम में खेलती रहती है। कौन सा गेम है? टंग ट्विस्टर है, बता रही हूँ। वो हमसे ना हो पाएगा, हम वैसे ही बहुत तेज बोलते हैं, टंग ट्विस्टर हमारा वैसे ही होता है। अच्छा चलो वो वाला बोल दो रिजा, कौन सा वाला जो हम दिन में प्रैक्टिस कर रहे थे। नदी किनारे किराने की दुकान 10 टाइम्स। फास्ट। नदी किनारे किराने की दुकान, 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 नदी किनारे किराने की दुकान। कैसे बोल लिया, इजी था क्या? फोकस फोकस फोकस, अग्नि पर आइसक्रीम खिला के फिर देना। ये सही है। मैं जा रहा हूँ खाना खाने के बाद नीचे, हमारे जो तीनों दोस्त हैं प्रतीक गड्ढे पे हमारा वेट करते हैं। आप लोग भी जाइए, मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आ रहा हूँ मैं, ठीक है।
की हम सबका फेवरेट है ना इमली का, मैं वही बोल रही थी। खाला बहुत अच्छा बनाती है। नहीं अभी तो अभी अभी बना और अभी फिर बिरयानी खा ली। अच्छे लगे खाना खाना भाभी को? अच्छे लगे देखो कहाँ बिजी तो काटा। सो फ्रेंड्स यही दो लोगों के दही बड़े जो मुझे कटर मुझे बोलने दो। कटर इतना खा चुका है चिकन फिर भी हाँ। लग रहा हम दही बड़ा खा रहे हैं तो हम उसे इसमें दही बड़े जो मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे बाहर कहीं भी जाओ तो वो नहीं अच्छे लगते। किसी की चटनी ज्यादा मीठी होती है, सबकी बेसिकली इमली की चटनी तो ऐसी नहीं होती है बाहर। बहुत अच्छी बने, बहुत ही अच्छी बने। तो जब खाला होती है तो खाला बना के खिला देती है और फिर जब खाला नहीं होती है तो फिर भाभी बना के खिला देती है। रिजा हेयर बन कितना क्यूट लग रहा है। ये हमने आपने वहां से लिया था लोकन वाला ये रिजा वही है ना लोकन वाले जो भाभी लाए थे। अच्छा वही है। तो भाभी को बोलना है पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला 10 times। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला फास्ट। हाँ ओके। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला पीतल के पपीते अभी तुम्हारा भी नंबर आएगा। अच्छा फिर ट्राई करूँ? ओके। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला 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 पीतल के गया। नहीं हो सकता। पीतल अम्मी एक सेकेंड एक सेकेंड पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला पीतल के पपीते में पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला बोलो पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला पीतल के पतीले में पीला 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 बेटी लाला का नंबर है बोलो। चलो एक बार बोलो। अरे और दूर जाओ। चलो बोलो हाँ जल्दी पीतल के भाभी बता दीजिए। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला पीतल के पतीले में पीतल के पतीले में पतीले में पपीता पीला पीला पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला जल्दी जल्दी पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला 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 पीतल के पपीता पपीता
पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। अरे वाह। हाँ। पीतल के पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला के पतीले में पपीता पीला पीला पीतल के पतीले में जल्दी जल्दी पीतल के पीतल के चलो अब तक तुम्हारा नंबर है। पीतल के पीतल के पतीले में चलो तुम पीपल के पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला पीपल के पतीले में पपीता पीला पीला पतीले पतीले पीपल पीतल पीतल के पतेले में पपीता पीला पीला। अब जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, रुकना नहीं है। पीतल के चलो लास्ट टाइम किसी को चांस चाहिए तो बोलो। हाँ चलो। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला पीतल के पतीले में वेरी गुड। चलो अगली बार। चलो हो गया। मजा आया। बोल रहे तुम भी बोलो, मुझे आता नहीं है, मैं अभी देख के पढ़ रही थी, लेकिन चलो ट्राई करती हूँ। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला पीपल के चलो हो गया भाई, सबसे अच्छा वाला था भाई, सही मौके पर निकल गए सच में। हम सबका डिनर हो गया है, ये था हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन। पापा सोने चले गए इसलिए वीडियो में नहीं है, भाई भाभी ऊपर अपने घर चले गए हैं, हम लोग अभी नीचे से वॉक करके आए और सोचा कि वीडियो को एंडिंग ले लें। तो मुझे तो आज बहुत मजा आया, खाला ने इतने अच्छे दही बड़े बनाए थे सबके साथ, और आपको टंग ट्विस्टर वाला कैसा लगा वो भी आप कुछ कहना है। वैसे तो हम सब भाई का व्लॉग देख ही चुके हैं, वो जो कहना चाहते थे वही हम सब भी फॉलो करते हैं कि बस खुश रहना है इस साल, आप यही सोचिए कि आपको खुश रहना है ना मम्मी। हाँ, बस हिम्मत रखो, अल्लाह की याद करो, बस आने वाले दिन सभी अच्छे होंगे, यकीन करो, बस हिम्मत रखो, खुश रहो, मेल से रहो, अपनों को समझो, बस यही वही। अब देखिए जब 2019 खत्म हुआ था, 2020 आया था, हम वही कर खाला से बात कर रहे थे कि सबने कितना सेलिब्रेट किया था, खूब पार्टी की, खूब नए होप्स थे सबको कि ये होगा, लेकिन हुआ क्या आखिर में, जो अल्लाह की मर्जी थी, तो जो उसको जो अल्लाह ने सोच लिया है वही होना, हमारा काम है मेहनत करना जैसे कि भाई ने कहा, और खुश रहना। कोई भी आप, मैं आपको बताने वाली थी कि मेरा क्या रिजोल्यूशन है, तो मेरा कोई भी रिजोल्यूशन नहीं है, मेरा ये है कि मुझे खुश रहना है, अपने घर वालों को खुश, हर चीज के लिए मेहनत करना है ना मम्मी, अल्लाह तो देने वाला है, और अगर आप दिल से मेहनत करते हैं तो वो, और जिंदगी का यही नाम है कि कभी परेशानी, कभी अच्छे दिन आते, कभी सदियों से चला रहा है, चल रहा है और चलेगा जब तक जिंदगी है, बस खुश रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। क्यों हंस रही हो सारा? क्या हो गया? लोगों की कुछ तो लड़ाई चल रही है पीछे पीछे ना, इनकी अभी देखो लड़ाई ना चालू हो जाए, अभी ये लोग बिल्कुल बिग बॉस का घर बना देंगे अभी। तो फ्रेंड्स, हमें इस तरह की पार्टी पसंद है, मुझे स्पेशली बचपन से हमेशा अम्मी के साथ, मतलब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी नहीं जाती थी, है ना अम्मी, मेरे कभी भी दोस्त नहीं रहे, ना दोस्त रहे, स्कूल में रहे, और बहुत अच्छे से बात हुई, अभी भी सबसे कांटेक्ट है, लेकिन मुझे ऐसे बाहर जाना नहीं पसंद था, क्योंकि सालू की अम्मी दोस्त रही है, मां रही, दोस्त भी रही है, आज भी हो रहेगी इंशाल्लाह। मेरा बस यही रहा है कि मुझे अम्मी, अगर मैं बाहर भी गई हूँ ना, मैं फ्रेंड से यही कहती थी अम्मी अकेली है, मुझे घर जाना है, इसी वजह से आज आप देखते होंगे कि मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, जितने भी फ्रेंड्स है सब मोबाइल पे सबसे चैट हो जाती है, बस वही दोस्ती है, वो हमेशा कायम रहेगी। तो बहुत सारे बन गए नए। हाँ, अब तो आप सब भी बन गए हैं, और इस साल का ये न्यू ईयर इसलिए भी बहुत अच्छा है कि आप, मतलब हमारी फैमिली के साथ हमने सेलिब्रेट किया, साथ साथ आप भी हमारी फैमिली हो गए, है ना रियान, सब दिन एक जैसे होते हैं।
नियमों के लिए कल भी आज था आज भी जो सब दिन बराबर है, जब तक जिंदगी रहेगी सब बराबर रहेंगे। वही जब जागो तभी सवेरा है। तो आप सब ये लोग ये सोच लो कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को बुरा नहीं बोलना है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, कोई कैसा दिख रहा है नहीं बोलना है प्लीज, है ना। और सबसे बड़ी इबादत इखलास, अपने सबसे अच्छे से घर वालों से बाहर वालों से रिश्तेदारों से सबसे मिलके रहो, सबकी सुनो, सबको सुनाओ, बस यही अम्मी का कहना है, बस जिंदगी का यही नाम है बेटा। वही तो, नहीं तो जिंदगी में कुछ नहीं रखा है। आप लोग सबका किसी का दिल दुखा दो, अगर किसी का बुरा कर दो, तो अब से आप लोग सब मुझसे वादा करो, ये रेजोल्यूशन लो कि किसी का दिल नहीं दुखाओगे, है ना। बिल्कुल। जैसे तुम लोग क्लास में कभी भी तुम लोग भी ये सुन लो, कोई मोटा दिखता है, पतला दिखता है, काला दिखता है, किसी को भी उसके नाम से नहीं चिढ़ाना है। अगर सारे बच्चे देख रहे हैं तो आप लोग ये रेजोल्यूशन लोगे, ओ मोटे ओ काले, ऐसा तो नहीं बोलता कोई स्कूल में, कोई और बच्चे बोलते हैं तुम्हें? हाँ, हाँ, बोलते हैं। तो अगर ऐसे बच्चे हैं तो प्लीज ऐसा नहीं बोले। अगर आप बॉस हैं तो आप अपने नीचे वालों को थोड़ा सा राहत दे दें, आप सास हैं तो अपनी बहुओं से प्यार से मिलें, आप नंद है तो अपनी भाभी को चाहे, आप लोग हस्बैंड वाइफ है तो एक दूसरे से प्यार से रहें, बस यही रेजोल्यूशन रखिए। ऐसा रहेगा ना तो आपको कामयाबी 100% जरूर मिलेगी। सही है, जा रहे हैं इनसे प्लीज बोल दो, लोग नहीं जाए मुझे बहुत बुरा लगेगा, मैं क्या करूंगी फिर। चलो हम लोगों के साथ, अम्मी को छोड़ के अभी नहीं जा रही मैं। चलो ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। देखो हाँ। बुरा तो हमें सबसे तो हमें बुरा लगता है, लेकिन अब आना जाना तो लगा रहता है, तो जिंदगी का नाम है, कोई बात नहीं, चलो फिर आ जाओ। हाँ। तो अच्छा, अब हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं, हम बहुत जल्द मिलेंगे सारा के बर्थडे के वीडियोस के साथ। सारा को एडवांस में हैप्पी बर्थडे, और हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि पहली बार इसका जो बर्थडे है वो हम लोगों के साथ हो रहा है, तो इंशाल्लाह जरूर स्पेशल होगा। और अगर इसके पहले कुछ होता है तो उसका वीडियो भी इंशाल्लाह हम जल्दी आएंगे। सालू को कभी नहीं भूलना। अच्छा, चलो अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखेगा, और इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।